तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। कैसे हो भाई? आज क्या हो रहा है? सबसे पहले इसमें एंड्रॉइड लगाने लगी भैया। तो भाई आज जो है अपनी सबसे पहली वीडियो रहेगी एंड्रॉइड पे। तो बेसिकली अपनी वितारा ब्रेजा बेस मॉडल है और इसका फ्रेम आ चुका है। हाँ, फ्रेम इसी में करेंगे। ठीक है। और तरीके से लगाएंगे। दूसरी चीज ये कि जैसे लोग कहते कि बलिनो वाला ही फ्रेम लग जाएगा, तो वो लोगों को पता ही नहीं है, शेप देख के कहते हैं कि बलिनो वाला फ्रेम लग जाएगा, लेकिन लगेगा नहीं, लगता नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। तो भाई इसमें बलिनो वाला फ्रेम नहीं लगता है, इसका फ्रेम अलग होता है, ये चीज आप लोग भी रख लो। तो अभी जो है एक बार लगना स्टार्ट हो रहा है इसमें एंड्रॉइड, उसके बाद अच्छा कौन सा लगा रहे हैं अंदर बताओगे? यहीं पे हाइपरसोनिक का लगा रहे हैं। 2 GB RAM, 16 GB स्टोरेज विद एप्पल कारप्ले वायरलेस। ठीक है, वायरलेस एप्पल कारप्ले। भाई आपका सीधे कनेक्ट हो जाता है, एक ऐप होती है उसके थ्रू, है ना, एक ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो भाई एक बार अभी लग जाता है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा कुछ एंड्रॉइड जो है अपनी गाड़ी में। गाइस आज मैं वापस आया हूं ऑटो म्यूजिक पे। तो कैसे हो कमल भैया? मैं भी एकदम बढ़िया। कांग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं गाड़ी में? भाई आज हम सबसे पहले फ्यूल लगाएंगे अपनी गाड़ी के अंदर, जो सबसे ज्यादा मतलब नीड है गाड़ी के अंदर, क्योंकि फ्यूल नहीं है बिल्कुल। और उसमें भी मैंने सबसे बेस्ट ब्रांड आपके लिए चुना है हाइपरसोनिक का। ठीक है, ठीक है। ये अपना 2 GB RAM 16 GB स्टोरेज का डिवाइस है। ठीक है। मॉडल नंबर है 9270 विद एप्पल कारप्ले। ठीक है। वायरलेस वाइड दोनों काम करेंगे और विद DSP। अच्छा, DSP भी। अच्छा, इसका जो साउंड आउटपुट है जितने भी कॉम्पिटेटिव ब्रांड है उसमें सबसे ज्यादा इसका साउंड आउटपुट अच्छा है। स्क्रीन क्लैरिटी अच्छी है। ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले आती है इसमें? एमोलेड तो कहने की बात होती है, वैसे DSP नॉर्मल ही होती है डिस्प्ले। ठीक है। बट ये एक्चुअली होती है आपकी नॉर्मल IPS डिस्प्ले बोलते हैं। ठीक है, ठीक है ना, उसमें बड़ी टॉप नॉच है। ठीक है। अच्छा वैसे अगर भाई ये तो मेरे हिसाब से बजट में थोड़ी ऊपर जाती है, कोई बजट ओरिएंटेड है जिसको भाई बेसिकली एंड्रॉइड अच्छा वाला जो स्टेबल डिवाइस है जिसमें कंप्लेंट ना आए, जिसका हार्डवेयर क्रैश नहीं करता और जेन्युइन 2 GB के अंदर MTK प्रोसेसर के अंदर 8000 पे शुरू होता है। 8000 शुरू है। बाकी बाजार में जो रेंज है आप आज की डेट में देख रहे हो 5000, 5500, 6000 ये रेंज आ चुकी हुई है, बट वो क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे मतलब मैंने सुना है कई बार कि अगर हम अबाउट में चेक करते हैं तो 2 GB और वो बताता है, बट अंदर होता नहीं। ज्यादा गड़बड़ी यही होती है मार्केट में, अगर आप जितने भी सस्ते वाले एंड्रॉइड ले रहे हो वो टोटल 1 GB RAM ही आते हैं। ठीक है, ठीक है, और 2 लिखा होता है उसके अंदर। ठीक है। तो लोगों को पता ही नहीं है, दुकानदार भी ऐसे बेची जा रहे हैं, लोग भी लगाई जा रहे हैं। बिल्कुल। जेन्युइन 2 GB RAM MTK प्रोसेसर में आपका 8000 से शुरू होता है। ठीक है। और ये तो अच्छा है, ये थोड़ा प्रीमियम रेंज में है और प्रॉपर हाइपरसोनिक एम्बोस्ड है। तो कई लोग क्या करते हैं डब्बा हाइपरसोनिक का रखते हैं अंदर, कोई माल डाल के हाइपरसोनिक करके भेज देते हैं। ठीक है, कॉपी आने लगी, कॉपी बहुत आती है इनकी। बिल्कुल। तो ये हाइपरसोनिक एम्बोस्ड होता है हाइपरसोनिक में, इसमें गोल्डन बॉडी भी आती है। ठीक है। गोल्ड प्रो में ये ग्रीन बॉडी है, 9270 है। ठीक है। तो अलग अलग मॉडल आते हैं। तो अच्छा एंड्रॉइड में अगर आपसे कोई पूछे तो आप यही रिकमेंड करोगे? सबसे ऊपर अगर कोई पूछता कि कौन सा ब्रांड है तो हाइपरसोनिक करते हैं। अच्छा वैसे ऐसा कुछ होता है ना कि ICs इनमें अलग होती हैं, चिप अलग होती है, MOSFET, IC हर चीज का फर्क पड़ता है। डिस्प्ले का तो मैंने बताया दिया आपको, टॉप नॉच है। ठीक है। हर चीज में अच्छा स्टेबल डिवाइस है मेनली। ठीक है, ठीक है। कंपनी के पास R&D बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हर एक चीज को तोच के बनवाते हैं, अपने हिसाब से बनवाते हैं, डेवलप कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी लोग क्या होता है चाइना से एज इट इज इम्पोर्ट किया और बाजार में भेज देते हैं। ठीक है। बट ये अपने हिसाब से बनवाते हैं, अपने हिसाब से उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, इनकी नॉलेज बहुत ज्यादा तेज है, मतलब यूजर फीडबैक पे भी काम है। हां, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है, प्लस आफ्टर सेल सर्विस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो गाइस अब ये जाके इंस्टॉल होगा अपनी गाड़ी में। गाइस पहले हम लोगों ने आपको दिखाया था कि हम लोग जो है इसके ओरिजिनल फ्रेम में ही कर रहे हैं ना, बट लगाते गुड न्यूज आ गई। हां, विद टाइम के अरेंज भी हो गए, अभी थोड़ी देर पहले मार्केट में फ्रेम इसका अवेलेबल हो गया और पहली गाड़ी शायद हम ही लगा रहे हैं जिसमें हम लोग फ्रेम फिट करके दे रहे हैं। एग्जैक्टली, मतलब पूरे एक्चुअल में लगा के भी दिखा रहे हैं और सिर्फ ये नहीं कि हाथ में पकड़ के दिखा दिया। हां, ये ग्लॉसी फ्रेम है। एग्जैक्टली, ये पूरा फ्रेम प्रॉपर गाड़ी के हिसाब से ब्रेजा के हिसाब से आ गया मार्केट में और ये पहली ब्रेजा है जिसके अंदर लगने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मतलब विद टाइम मैंने अरेंज भी करा दिया साथ में रहते रहते ही, तो देख सकते हैं फिट होने का टाइम आ ही रहा था कि जब गाड़ी को फिट करने लेके जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो भाई ये फ्रेम भी आ चुका है यहाँ पे देख सकते हो और फर्स्ट टाइम लग रहा है यहाँ पे, किसी और ने नहीं दिखाया, हम वापस बता रहे हैं। तो जितनी भी चीजें हो रही हैं पूरी गाड़ी इधर ही बन रही है पहले ना, तो भी इंस्टॉल होगा। तो भाई आप कपलर बता रहे थे? भैया ये देखो, ये वाला जो साइड की कपलर है ये आपके स्टीरियो में लग जाएगा हाइपरसोनिक के अंदर। ठीक है, ठीक है ना, और ये आपकी गाड़ी में लग जाएगा। ठीक है, एज इट इज। तो मतलब कपलर है तो हमें कोई तार नहीं काटनी, कुछ नहीं करना। बिल्कुल। और जो मेमोरी का कनेक्शन भी लेंगे वो इन बिटवीन से हमारे कपलर के अंदर से ले लेंगे। ठीक है, आपकी गाड़ी का जो कपलर यहाँ पे लगेगा वो एज इट इज टैक्ट रहेगा। तो मतलब गाड़ी की वायरिंग कोई टेंपर नहीं होने वाली, गाड़ी की वायर ना काटी जाएगी ना छीली जाएगी, कोई भी टेंपर नहीं होगी। चलिए ठीक है। सो गाइस अभी इंस्टॉल होगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग सीधे अपने जो म्यूजिक सिस्टम उसके। गाइस यहाँ से वायरिंग भी हो चुकी है और हाई लो कन्वर्टर भी लग गया है, JBL का है बेसिकली यहाँ पे। और अच्छा पापा, एक छोटा सा डाउट क्लियर कर दो, हाई लो क्या होता है, होता क्यों है?
यार देखो एंड्रॉइड लगा रहे ना, हाई लो की जरूरत नहीं थी, ठीक है, लेकिन सारी चीजें अगर मैम बता देंगे फॉल्ट तो फिर यार दुरुस्त भी करने लगे। अच्छा ठीक है। तो भाई ये सीक्रेट रेसिपी और ये नहीं बताई जाएगी, है ना। ठीक है भाई, ये नहीं बता रहे हम लोग। खैर यहाँ पे लग गया हाई लो कन्वर्टर और एम्प जो है अपने दोनों पीछे लगेंगे, कस्टम वायरिंग होगी पूरी की पूरी। यहाँ पे वैसे मारुति आजकल बैटरी देने लगी और मोटर देने लगी है, तो इधर अब प्लेसमेंट हो ही नहीं सकती, तो सारी की सारी वायरिंग जो है पीछे की तरफ जाएगी। सब लास्ट में अपना स्टेयरिंग माउंट का काम स्टार्ट हो चुका है, आपने देखा एंड्रॉइड लग गया है, चारों स्पीकर्स लग गए हैं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी लग रहे हैं। तो कबल भैया सेम ही आते हैं जो बलिनो में आते हैं या फिर डिफरेंट है इसके? ये सेम ही होते हैं स्विफ्ट में भी, ये आपको अच्छा स्टैंडर्ड है सभी मारुति का। स्विफ्ट में नया स्टीयरिंग आया था, पहले डिजायर में आया, स्विफ्ट में आया, ठीक है, तो बलिनो में दे दिया उन्होंने सेम स्टीयरिंग, अप्रेजा में भी यही दे दिया उन्होंने। बाकी अगर ऐसे बोल के बेचना चाहें कि भी इसके अलग आते हैं तो देखो दुनिया तो कुछ भी बोलेगी, सही बात, हम तो देख के बता देंगे आपको कि आपको भी पता है, ये लोगों को भी कॉमन पता लग जाता है, सेम ही आता है और स्टीयरिंग भी सेम है मेरे हिसाब से ना। स्टीयरिंग मेन ही होता है पर जो असली चीज होती है उसका अंदर होता है हब होता है, ठीक है, ठीक है ना। हब जो है वो आपके एयर बैग की जो वायर जारी को डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है, सारे जितने वर्किंग है बटन की सब वो करता है आपका हब, ठीक है, हब ओरिजिनल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई कबल मैंने बता दिया कि सेम ही है सब कुछ, बस मेन हब होता है अंदर, है ना, और मतलब हब ही वर्क करवाएगा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, हब जो है मेन कंट्रोल करेगा और स्टीयरिंग कंट्रोल ये दोनों ओरिजिनल पार्ट लगाए हमने, ठीक है, और बाकी में क्या होता है हब लोग चाइनीज लगा देते हैं, हाँ, तो हब से क्या अगर आपका हब गलत है तो आपके एयर बैग हो सकता है डिप्लॉय ना करे। अच्छा तो भाई हमेशा ये MGP का दिखा रहे हैं अंदर, जिस कंपनी का हब निकलेगा उसी कंपनी का हब है, ठीक है, तो भाई ये ओरिजिनल है, ये जेन्युइन है, और मेक श्योर जहाँ पे भी लगाओ चाइनीज ना लगाओ। अच्छा ऐसे भी हो सकता है भैया कि इसके अंदर चाइनीज डाल के दिखा दें? ऐसा है, लोग कर सकते हैं, पटना में बताता हूँ आपको, ये जो ब्रांड है ये आपका एविस, ठीक है, ठीक है, ये आपका सप्लायर मारुति का, ठीक है। अब जो मैं आपका हब निकालूंगा ना गाड़ी से, हाँ, सेम एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, ये आपके 6 पिन है उसमें 2 पिन होंगे, ठीक है, ये डिफरेंस होता है, तो भाई ये डिफरेंस है। और गाइस मेक श्योर आप लोग नकल चीज डुप्लीकेट चीजों से बचें, आजकल भैया ओजोन की भी डुप्लीकेट आ गए मैंने सुना है, ओजोन की डुप्लीकेट ही बहुत ज्यादा है, ठीक है, और एक दो डीलर है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ओजोन का एक डब्बा रखा है टेबल पे, रेट कम बोलते हैं, बल्ब नकली डालते हैं और लोगों को चेक कराते हैं, डेमो देते हैं कि देखो कि लाइट कम है हमारे लिए ज्यादा है, तो लोगों की बातों में मत आओ, ठीक है, ठीक है ना। ऑफिशियल डीलर ओजोन का, सोल डीलर मैं यही हूं। गाइस यहां पे दिख रहा होगा ग्रैंड ऑटोमेशन कंपनी ओजोन के ऑफिशियल है यहां पे, पत्ते के चक्कर में मत पड़ना, धोखा खा जाओगे, नुकसान कर लोगे अपना, बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रॉपर चैनल है ऑफिशियल डीलर है, आपको वारंटी भी वाइज मिलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस अभी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगेंगे यहां पे, जब हम चेंज करवाते हैं तो लोगों को डाउट रहता है कि यार स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हम लोग चेंज करवा रहे हैं गाड़ी में तो एयरबैग वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो एक बार वो डाउट क्लियर कर दो आप। अगर प्रॉपरली वायरिंग हुई हुई है, ट्रस्टेड इलेक्ट्रिशियन ने काम किया हुआ है, एंड एयरबैग तो अपना जो एज इट इज पहले से आता है वही लगता है ना, अगर एयरबैग कनेक्ट नहीं होगा ना, हाँ, तो आपको ऑलरेडी साइन आ जाएगा मीटर पे, वार्निंग आ जाएगी कि एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा, ठीक है, ठीक है ना, ठीक, तो आपको पता लग जाएगा कि एयरबैग कनेक्टेड नहीं है, और एयरबैग हमने आपको वही वापस लगा देना, बिल्कुल, ये टेंपर हो ही नहीं रहा कुछ भी, इसको ओरिजिनल जो हब है ना जो लगा हुआ है कंपनी का, ठीक है, तो वो ताके दिखा रहा हूं, और जो हमारे पास जो मारुति का हब आया है वो मैच करके दिखाता हूं, ठीक है। सो गाइस एयरबैग से आपके कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होती, वो एज इट इज आपका कंपनी जो दे रही है वही लगता है, बस यहाँ पे हब चेंज होता है और बटन्स लगते हैं ना, ठीक है। तो गाइज ये है वो एंड्रॉइड और OEM, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग फिटिंग देखोगे भाई, एकदम जो पियानो ब्लैक वाली फिटिंग होती है वो की वो इसमें फिटिंग आई है, और साथ ही साथ फ्रेम भी वही वाला है जो आपका ओरिजिनल आता है, तो भाई अपनी ब्रेजा में लग चुका है। बात करूँ ये हाइपरसोनिक का है, 2 GB इसमें रैम है एंड 16 GB स्टोरेज से मेरा कुछ भी मतलब नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है भाई सीरियसली, और आप लोगों ने शायद से पहले भी इंटरफेरेंस देखा होगा, और मैं बताता हूँ कंपनी वाला जो है उसमें आपको 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती होंगी, जैसे कि कंपनी सुजुकी कनेक्ट ये सब दे रही है, उन सबको कोई मैच नहीं कर सकता। बट अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड आप लोग आफ्टर मार्केट लगवाने जा रहे हैं, आपके पास LXi है एंड VXi भी है, VXi वाला भी जो आता है वो इतना खास नहीं है, ZXi ZXi Plus वाले बहुत ज्यादा बढ़िया हैं, बट हाँ एंड्रॉइड कई लोगों को पसंद आता है, तो पर्सनली मेरे को भी ज्यादा, ये Zlink करके जो ऐप है इससे आप डायरेक्टली जो है भाई अपना जो iPhone है उससे इसमें एप्पल कारप्ले चला सकते हो, तो वो फीचर की भी जो है इसमें अवेलेबिलिटी आप लोगों को मिल जाती है। यूट्यूब दे रखा है, अगर आपको ऊपर से कनेक्ट करना है आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, एंड बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्रोम मैप सब कुछ चीजें जो है इसमें आपको दे रखी है, तो मोस्टली ये कि जस्ट अपने फोन में जो है आप लोग हॉटस्पॉट ऑन करिए एंड उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, काफी ज्यादा अमेजिंग लगा मेरे को ये। साथ ही साथ गाइस मैंने एक चीज और इसमें इंस्टॉल करवाई थी गाड़ी में, वो है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। यहां से अगर मैं दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि वहां पे वॉल्यूम बढ़ने लग रही है, इधर से मैं करने लग रहा हूं, ये देख सकते हो ये वॉल्यूम जो है यहां पे बढ़ने लग रही है, तो भाई ये भी काफी ज्यादा बढ़िया से जो है वर्क करने लग रहे हैं अपने, एकदम जो OEM वाले आते हैं ओरिजिनल एज इट इज है, तो इसके बाद आप लोग देख रहे हो कितनी ज्यादा जबरदस्त जो है भाई गाड़ी लग रही है। यहां से आपका स्टीयरिंग भी पूरा काम कर रहा है, उधर अगर आप देख रहे हो ये देखो यहां पे आ रहा है, तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने कल करवाई थी, बेसिकली आप लोग भी LXi में करवा सकते हैं। ये काम मैंने करवाया था ग्रैंड ऑटो म्यूजिक एम्पेरियम पे, करोल बाग में शॉप है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो वापस देख सकते हो भाई, और होम तो बातूंगा ना मैं, तो ये वाली जो यहाँ पे ना स्पीड भी लिखी आने लग जाती है कि भाई आपकी गाड़ी कितनी चल रही है, गाड़ी कितने उस पर वर्क कर रही है, दिखाता हूँ एक बार आपको बेसिकली, मतलब कितने उस पर स्पीड पे चलती है, तो यहाँ पे लिखा आने लग जाता है साथ ही साथ,
यहाँ से दिख रहा होगा ना आपको 7 की स्पीड अभी आई है, तो जैसे ही आप थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ोगे उसके बाद जो है एक्यूरेट 8 की स्पीड जो है बताने लग जाता है जैसे जीपीएस कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो भाई कुल मिला के बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगा मेरे को ये, और आप लोग भी जो अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो भाई ये था अपना OEM वाला फिटिंग वाला जो एंड्रॉयड स्टीरियो है वो, और कॉस्ट वॉस्ट के लिए जितने का भी लगा आप लोग पूछ सकते हो, एलेक्सा को भी टॉप मॉडल बना सकते हो। एक एक करके जबरदस्त जबरदस्त मॉडिफिकेशन जो आने वाली है, कल जो है आपको डैम्पिंग पे देखने को मिल जाएगी वीडियो, बहुत सुपर सॉलिड डैम्पिंग कराई है। एंड उसके बाद जो है म्यूजिक सिस्टम पे, या फिर कल कौन सी वीडियो देखना चाहते हो वो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताएगा। तो भाई एंड्रॉइड इंस्टॉल हो चुका है अपनी गाड़ी में भाई। गाइस कई लोग सोचते हैं कि भाई हैंग करता है लैग करता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा स्मूथ है, एकदम बटरी स्मूथ है ये, इसमें हैंग लैग जैसी कोई चीज नहीं है। अगर एक्चुअल में आपका जो एंड्रॉइड है वो 2.16 ही भी है तो भी भाई वो बिल्कुल भी हैंग लैग नहीं करेगा। यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा कि आप आराम से जो है इसको निकाल सकते हैं, उतार सकते हैं। यूट्यूब जो है अभी क्योंकि मेरा कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट, वैसे यूजुअली मैं देखता नहीं हूँ, रिकमेंडेड भी नहीं है, बट आप लोग भाई आपकी मर्जी आपको चलाना है, तो जैसे आप इसमें वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो आपका जो यूट्यूब भी चल जाएगा। बट मेरा कुल मिला के आपको ये दिखाने का मतलब है कि भाई जो ये चीज़ है ना ये बिल्कुल भी हैंग लैग नहीं करती और काफी ज्यादा सॉलिड है, काफी ज्यादा बढ़िया है।